Okay, in this video we will discuss question number 3rd of exercise 5A. Pick out like terms in each polynomial. ठीक है, आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स की पॉलीनोमियल में लाइक टर्म्स को पिक आउट करना है, उनको पहचानना है और उन्हें लिखना है. ठीक है, लाइक टर्म्स सब जानते हैं क्या होती हैं, वेरिएबल में ऐसी वेरिएबल जिनके वेरिएबल सेम हो, नंबर्स चेंज हो सकता है लेकिन वेरिएबल सेम है. जैसे ए बी, ए बी का लाइक टर्म कौन सा होगा, 3AB, क्योंकि उसमें वेरिएबल ए बी है और दोनों की पावर क्या है, 1 1 है. ऐसे ही ए सी, ए सी का कौन होगा लाइक टर्म्स, 3AC, क्योंकि इसमें भी एक एक ए है, एक एक सी है. तो लाइक टर्म्स को आप ऐसे पेयर में ब्रैकेट बना के ऐसे लिखोगे, फर्स्ट लाइक टर्म ये है, सेकेंड लाइक टर्म ए सी और 3AC थे. बी वाला देखो, 3XY प्लस XZ प्लस 5XY माइनस 7XZ. इसमें देखो XY से कौन सा रिलेटेड है, ये नहीं है, XY है ना, तो ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगी, और XZ और माइनस 7XZ ये दोनों लाइक टर्म्स हो जाएंगी. आ गया समझ में लाइक टर्म्स क्या करना है. ऐसे ही एक्स स्क्वायर वाई का कौन सा बनेगा पेयर, ये, तो इनको एक ब्रैकेट में लिखोगे और नंबर नंबर वालों को एक तरफ ब्रैकेट में लिखोगे. तो डी ई एफ आपके होमवर्क रहेंगे, आप इसे कॉपी में करोगे. क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सिंप्लीफाई. हमें क्या करना है, दो मोनोमियल दिए गए, उनको सिंप्लीफाई करना है, ऐड करना है. 15B आप उसके नीचे लिखोगे 8B, दोनों को बीच में क्या था, ऐड कर दोगे, बी बी बी. 15 में से 15 और 8 कितना हो गया, 23, तो 23B. ऐसे ही 7P माइनस पी प्लस 21P माइनस 8P. तो देखो पहले दोनों प्लस प्लस वाले ले लो, ये प्लस में और ये प्लस में, तो 21 और 7P आपस में ऐड होके कितना हो जाएगा, 28P. और ये दोनों माइनस माइनस में है, लेकिन माइनस माइनस होता क्या है, प्लस. तो 8 और यहाँ पे 1 है, तो 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, लेकिन लगाते क्या है, माइनस. ठीक है, फिर 28P में से 9P आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आंसर जा जाएगा 19P. सी एंड डी आप ही ट्राई करना, कोई डाउट होगा, नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछोगे. ई वाला देखो, 7x की पावर 3 प्लस 5x² प्लस 3x प्लस 8 प्लस 9x की पावर 3 माइनस 2x² प्लस 9 माइनस 7x. ठीक है, तो पावर हमेशा सेम पावर के साथ ऐड होती है. जैसे x की पावर 3 है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कोई x की पावर 3 वाला टर्म है और उसके साथ उसको ऐड करेंगे, तो ये नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये एक्स की पावर 3. मतलब आप इन दोनों को पहले साथ में लिखोगे फिर उनको ऐड करोगे, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16x की पावर 3. फिर हम एक्स की पावर 2 वाला देखते हैं, तो 5x² और कोई है क्या एक्स की पावर 2 वाला, ये. ठीक है, तो प्लस माइनस इनके साइन देखो, इसका प्लस है इसका माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो 5 में से 2 जाएगा, 3x बचेगा, 3x². ठीक है, अब x की पावर 1 वाले देखेंगे, ये 3x और ये 7x, प्लस माइनस है, तो 7 में से 3 जाएगा 4, 7 बड़ा था उसका साइन माइनस, तो माइनस 4x. ठीक है, और नंबर नंबर वाले लास्ट में, नंबर 8 और 9 17. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द सम ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल्स. अब हमको गिवन पॉलीनोमियल्स का सम फाइंड करना है. 3x प्लस 4, 7x माइनस 1, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो 4 में से 1 गया 3, 4 बड़ा था उसका साइन क्या था, प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस 3. और ये दोनों पॉजिटिव में थे, तो 7 प्लस 3 10x हो गया, तो आंसर आ गया 10x प्लस 3. बी वाला होमवर्क रहेगा. सी देखो, एक्स की पावर 4 माइनस x² वाई प्लस 3y² एक्स की पावर 4 प्लस 2x² वाई प्लस 5y². देखो कुछ नहीं होता, मतलब यहाँ पे 1 है उसका कोफिशियंट. ठीक है, दोनों पॉजिटिव में है, तो 3 प्लस 1 4y² हो जाएगा. यहाँ पे ये नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. तो 2x² में से 1x² जाएगा, तो कितना बचेगा, x² y. और यहाँ पे प्लस आएगा क्योंकि 2 बड़ा था उसका साइन प्लस है, इसलिए प्लस. यहाँ पे देखो ये दोनों सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, तो ये दोनों कैंसिल होटो के 0 हो जाएगा, कैंसिल होके 0x की पावर 4. ठीक है, अब 0 वाले टर्म को लिखना जरूरी नहीं है, तो बचे कौन से दो टर्म, x² y प्लस 4y². अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट. ये थे अभी सम वाले क्वेश्चन, अब सब्ट्रैक्ट देखो.
सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारा सेकेंड वाला एक्सप्रेशन होगा उसके साइन चेंज करने पड़ेंगे, ईच टर्म के साइन चेंज करोगे। तो देखो यहाँ पे सेकेंड टर्म ये है, सेकेंड एक्सप्रेशन ये है 2y² - 3x², इसका साइन क्या था माइनस, तो आप इसको क्या कर दोगे प्लस। यहाँ पे ये क्या था प्लस, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा साइन चेंज होके माइनस। ठीक है, सिर्फ सेकेंड वाली एक्सप्रेशन के, फर्स्ट एज इट इज रहेगी। अब सब्ट्रैक्ट, अब हम देखेंगे तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस 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 क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 में 3 ऐड हो जाएगा 8x². ठीक है प्लस, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव में, तो 7 में से 2 क्या 5y², तो आंसर आ जाएगा 5y² + 8x². इसे ट्राई करना होमवर्क। सी वाला देखो, ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने क्या बताया, सेकेंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर दोगे, इसका माइनस था तो आपने प्लस कर दिया, ये भी माइनस था प्लस कर दिया, ये भी माइनस था प्लस कर दिया। अब देखो अब इसका इसका साइन है माइनस और ये प्लस बन गया, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 10 में से 9 गया 1 और 10 बड़ा था उसका साइन प्लस में, इसलिए प्लस 1c। यहाँ पे देखो ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 5 में से 3 गया तो 2b, और यहाँ 4 में ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस होके प्लस होता है, तो 4 और 2 जुड़ के 6a हो जाएगा, 6a हो जाएगा। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 7th देखो, फाइंड द सम ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल्स एंड द डिफरेंस ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। ठीक है, आपको मतलब कि एक क्वेश्चन दिया है, उन दोनों का पहले एक्सप्रेशंस का सम भी करो ऐड भी करो, फिर उन्हीं दोनों एक्सप्रेशन का सब्ट्रैक्ट भी करो। ठीक है, तो देखो आपको इसकी दो मेथड है, या तो आप उसी के बगल में ऐसे प्लस लगा के लिख सकते हो, ठीक है, या फिर ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। तो मैंने दोनों मेथड करके दिखा दी, आपको जो इजी लगे आप उससे एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। फर्स्ट मेथड क्या है, आपने फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लिखा, सेकंड वाला लिखा, दोनों को ब्रैकेट में क्या करना है हमको ऐड, तो हमने लगाया प्लस, ब्रैकेट खोले तो -5x + 9 + 2x + 3। अब हमने देखा वेरिएबल वेरिएबल वालों को एक तरफ ये, और नंबर नंबर वालों को एक साइड, 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 5 बड़ा था -3 और यहाँ पे 9 और 3 = 12। ठीक है, ये हो गया ऐड। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, पहली फ्रैक्शन लिखे दूसरी एक्सप्रेशन लिखे, दोनों के बीच में माइनस लगाए। ठीक है, जब दूसरी ब्रैकेट हम माइनस, जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो जो दूसरा एक्सप्रेशन होगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा माइनस और यहाँ का भी प्लस का हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो जो दूसरी एक्सप्रेशन होता है ना उसके साइन सब चेंज हो जाते हैं। फिर हमको वही करना है, वेरिएबल वेरिएबल वालों को एक तरफ, नंबर नंबर वालों को एक तरफ, माइनस माइनस होता क्या है प्लस, लगाते माइनस है और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हमको इसी को हम ऐसा भी कर सकते थे वर्टिकली फॉर्म में लिख कर, -5x + 9 2x + 3 9 और 3 = 12, -5x + 2 तो -3x, ऐसे भी ऐड कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट का सेकेंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज करके। ठीक है, तो इसके आपको 2, 3, 4, 5 आपको क्या रहेंगे होमवर्क, आप इसको घर में ट्राई करना 5 तक। 6th वाला मैंने एक कर दिया है, 3m² - 5mn + 7n² - m² + 2mn। ठीक है, 7 में से 5 गया 2n², यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3mn, 5 बड़ा था उसका साइन माइनस था इसलिए माइनस, यहाँ 3m² - 1m² गया तो 2m². सब्ट्रैक्शन के लिए सेकेंड वाले एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर दिए, फिर किया ये दोनों प्लस प्लस, 7 और 5 = 12 हो जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस हो गया है, तो माइनस माइनस होता क्या है प्लस, करेंगे प्लस, 5 और 2 = 7 लेकिन लगाते क्या है माइनस, और ये भी प्लस में था ये भी प्लस में, तो 3 में 1 जुड़ के 4m². ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8th, सब्ट्रैक्ट सेकेंड पॉलीनोमियल फ्रॉम द फर्स्ट। वही चीज़ है, सेकेंड पॉलीनोमियल से फर्स्ट मतलब माइनस करना है, तो सेकेंड वाले पॉलीनोमियल के साइन क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस था तो माइनस, प्लस था तो माइनस, माइनस था तो प्लस, फिर आप क्या कर दोगे उनको सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th देखो, सिंप्लीफाई 3x² + 5x + 4x² + 6 - 3 - 7x। ठीक है, अब पहले तो आपको ब्रैकेट खोलने हैं, ब्रैकेट खुल गया एज इट इज, ये भी खुला एज इट इज, लेकिन आगे इसके ब्रैकेट की क्या था माइनस, तो जब माइनस वाले के ब्रैकेट खोलते हैं तो उसके साइन क्या हो जाते हैं चेंज, तो 3 अभी कुछ नहीं लगा है मतलब ये प्लस में था, तो इसका क्या कर दिए माइनस, ये माइनस में था तो इसका क्या हो गया साइन चेंज होके प्लस।
ठीक है, आप ये ध्यान रखना, ये साइन चेंज हो गया। फिर उसके बाद हमने पावर पावर वालों को साथ में लिखा, एक्स की पावर टू, ये भी एक्स की पावर टू, इनको साथ में लिखो। एक्स की पावर वन वाला ये है और ये, इनको साथ में लिखो। और नंबर नंबर वाले फोर सिक्स थ्री, इनको साथ में लिखो। थ्री प्लस वन कितना हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर। यहाँ फाइव और सेवन ट्वेल्व एक्स, और यहाँ पे फोर और सिक्स टेन, टेन में से थ्री गया सेवन, ठीक है, सॉल्व हो गया। ऐसे ये भी सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ पे देखो, ये ब्रैकेट खोलेंगे, ये एज इट इज आएगा, इसके ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस, मतलब जब इसका ब्रैकेट खोलेगा तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये प्लस में था तो इसका माइनस, ये माइनस में था तो इसका प्लस, ये भी माइनस में था तो इसका प्लस, इसके आगे प्लस लगा है, मतलब ये एज इट इज। अब हम एक्स की पावर टू वाले टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, वाई की पावर टू वाले टर्म्स को एक साथ, जेड की पावर टर्म्स वालों को एक साथ। फिर टू प्लस वन प्लस वन, फोर एक्स स्क्वायर हो जाएंगे टोटल। यहाँ पे फोर और फोर एट, एट प्लस वन नाइन वाई हो जाएंगे टोटल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देखो प्लस माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली माइनस थ्री जेड स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोर फाइव ए जो है वो खत्म होता है। अब इसको पूरा कॉपी में नोट डाउन कर लेना, कोई भी डाउट है तो आप मुझसे अभी पूछोगे वीडियो के बाद, देखने के बाद। थैंक यू।